नमस्ते दोस्तों, मैं आद्या स्वागत करती हूँ किचन दुनिया में। आज जो मैं डिश लेकर आई हूँ वो है पालक पनीर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पालक पनीर एक बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए हमें जो चाहिए वो मैं बता देती हूँ। पनीर 200 ग्राम्स, एक प्याज, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, मिर्च एक, लहसुन की कलियाँ मैंने ली है 10 से 12, सॉल्ट स्वाद के अनुसार, गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और यहाँ मैंने 1/2 kg पालक लिया है। इसे अच्छे से धो लिया है, धोकर इसे सुखा लिया है। अब हम एक बर्तन में पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। इसमें हमें अपने साग की ब्लांचिंग करनी है। ब्लांचिंग उसे बोलते हैं जब हम साग को गर्म पानी में 1 से 2 मिनट के लिए उबाल कर हमें उसे ठंडे पानी में डालना है। इसे हम ब्लांचिंग कहते हैं। अब हमारे पानी में उबाल आ गया है, इसमें हम साग को डालेंगे। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैंने इसे बंद कर दिया है और अब इसे हम ठंडे पानी में निकाल लेंगे। अब हम साग को ठंडे पानी में डाल रहे हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि इससे हमारा जो कलर होगा साग का वो काफी अच्छा और वो काफी खिला खिला आएगा। अब एक ब्लेंडर जार में मैंने साग को ले लिया है। इसमें प्याज, लहसुन की कलियां और मिर्च डालकर हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। हमने यहाँ पालक को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया है। इसके साथ ही 1/2 कप टोमेटो प्यूरी लिया है और 1 कप हमने दूध लिया है। अब इसके आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हमने एक कढ़ाई को गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। इसे थोड़ा गरम होने देते हैं। अब हमारा तेल गरम हो चुका है। इसमें अब हम इस पालक के साग को डालेंगे। एक बार चला लेंगे। अब हमें इसे चलाते हुए 2 मिनट से ऊपर हो चुका है। इसमें अब हम ये टोमेटो की प्यूरी डालेंगे। एक बार चला लेंगे और इसे कवर कर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। हमारे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसका कवर हटाती हूँ। इसे हम एक बार अच्छे से चला लेंगे। और इसमें हम डालेंगे जीरा पाउडर, नमक, हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। एक बार चला लेंगे। और ये पनीर अब हम इसमें डाल देंगे। और एक बार चलाकर
इसे हम 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे। अब हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका कवर हटाएंगे। इसे चला लेंगे। और इसमें अब हम ये दूध डालेंगे। इससे एक रिचनेस आती है और काफी बढ़िया लुक का स्वाद आता है, इसलिए हम आप चाहे तो इसमें इसकी जगह मलाई भी मिला सकते हैं। मैं इसमें 1 कटोरी दूध मिला रही हूँ। अब हम इसे ढककर फिर से 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। अब हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका कवर हटाएंगे। अब ये अच्छी तरीके से पक गया है। बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अब हमारा पालक पनीर बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखा ना ये कितना आसान है और कितनी आसानी से बन जाता है। बस अब हम इसमें थोड़े से क्रीम से गार्निश कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर को ग्रेट किया है, वो डाल देंगे। बस तैयार है बिल्कुल ये सर्व के लिए। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।